मित्रों, 18 में कई झूठे वादे करके जितने समझ में आए सब वचन पत्र में लिख दिए गए, और जिन वादों को पूरा करने का वचन दे के सत्ता में आए उनमें से कोई पूरा नहीं किया। और यही सच मैं जनता के सामने उजागर करना चाहता हूं कि कांग्रेस झूठ बोलती है, कमलनाथ झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, और इसलिए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर की बातें करके सवालों से बचते हैं, लेकिन जनता के बीच में सच उजागर करना हमारी ड्यूटी है। और इसलिए 2018 के वचन पत्र में कमलनाथ जी आपने लिखवाया था आधुनिक कृषि यंत्र जिनकी लागत 2 लाख रुपए तक है उस पर 50% अनुदान दिया जाएगा। 1.5 साल में कितना अनुदान दिया ये तो बता दो कमलनाथ जी, एक ढेला नहीं दिया। अनुदान देना तो दूर की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए, और इसलिए मुझे पता है कि वो फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। हालांकि उनके नेता ही आजकल उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं, हाथ मिलते हुए तो हाथ जोड़ते हुए तो कहीं दिख नहीं रहे, आपस में जरूर युद्ध शुरू हो गया है। कमलनाथ जी विकास यात्रा को निकास यात्रा कह रहे हैं सर, एक टीम उन्हें किराए पे बिठाई है, वो शब्दों का चयन करके और कुछ तो बनता नहीं है, तो खिसियानी बिल्ली की तरह विषय बदलने की कोशिश में शब्द ढूंढ लेते हैं और कह देते हैं, तो यही करेंगे और करेंगे। सर, कमलनाथ ने कहा है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 40 साल मुझे सब कुछ मिला है, दूसरी एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता उन्हें भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं, आप उनका ये कहना है कि अरुण यादव का लालक मंत्री का चेहरा दिल्ली से तय होगा? चेहरा भी तय नहीं, चेहरा भी तय नहीं। अब मैंने वही कहा कि कोई लिख रहा है भाभी, कोई कह रहा है कि नहीं तय नहीं है। अब ये घमासान कांग्रेस में हो रहा है तो कांग्रेस तय करे उन्हें क्या करना है, लेकिन जिन्हें सब कुछ मिल गया वो और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। एक बहन ने आपको लाड़ला भैया कहा, आपने मौत हो चुकी है, आप उसके लिए कुछ करेंगे? विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लाडली बहना योजना केवल महज एक योजना नहीं है, अगर बहन के खाते में पैसे जाएंगे तो उन पैसों को वो अपने परिवार के कल्याण में लगाएंगी। बच्चे को दूध की जरूरत है तो दूध खरीदेंगी, फल की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है तो फल और सब्जी भी गरीब बहना के घर आएगा, और फल सब्जी दूध अगर आता है, ऐसी आवश्यक चीजें जो जरूरी है परिवार के पोषण के लिए, तो पोषण का स्तर भी सुधरेगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। महिला आज भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में परिवार की धुरी है, उसके मन में जितनी संवेदना होती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और मैं तो ये कहूं कि माँ के मन में जितनी संवेदना बेटा बेटियों के लिए होती कई बार पिता के मन में नहीं होती, तो उसके पास ये पैसा होगा तो बच्चों को आगे बढ़ाने में लगाएगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये योजना केवल एक साधारण योजना नहीं है, इससे परिवार स्वस्थ बनेगा, मजबूत बनेगा, सशक्त बनेगा, और परिवार सशक्त बनेगा तो समाज और प्रदेश सशक्त बनेगा। तो लाडली बहना योजना प्रदेश को मजबूत और सशक्त बनाएगी। इसका दूसरा पहलू आप देखिए,
जब 1000 रुपया हर महीने बहन के खाते में आएगा तो उसमें तो आधी आबादी लगभग कवर हो रही है, तो 1000 रुपया लेके ये गांव की दुकान पे भी जाएगी, कोई फल खरीदेंगी, सब्जी खरीदेंगी, किराने का सामान खरीदेंगी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होगा। हाथ ठेला वाले की भी बिक्री बढ़ जाएगी, फुटपाथ पर जो सामान कोई 5 रुपये का खरीदेंगे, कोई 10 रुपये का खरीदेंगे, कोई 50 रुपये का खरीदेंगे, तो हमारे जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं ये पैसा कम थोड़ी है, सब बहनों का मिला लो कितना होता है, तो ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जाएगा। और विशेषकर छोटे छोटे व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था या छोटे व्यापारियों की शहरी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, तो ये केवल बहनों की जिंदगी नहीं बदलेगा, ये हमारे छोटे व्यवसायियों की जिंदगी बदलने में भी सहायक होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी ये योजना मजबूत करेगी। आज ज्यादा हो गया, देखिए सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी तरफ सामान्य तौर पर सरकार का और समाज का ध्यान नहीं जाता, कैंसर हो, टीबी हो, उसकी तरफ ध्यान चला जाता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया साइलेंट किलर की तरह आती है और वो जिस परिवार में आ गई उस परिवार को तबाह कर देती है, इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी की तरफ ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया की किसी ने मांग नहीं की कि इसमें बजट होना चाहिए, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विशेषकर आदिवासी भाई बहनों के बीच इस बीमारी को देखा और उस दर्द को समझा, गुजरात में भी उन्होंने योजना बनाई थी, मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया है कि 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि कई को पता ही नहीं चलता, और कई बार जिनको सिकल सेल होता है अगर उनकी शादी हो गई तो बच्चों की जिंदगी भी फिर इस बीमारी से ग्रसित होके तकलीफ देह बन जाती है, और इसलिए स्क्रीनिंग का काम, बीमारी पहचानना और फिर उसके निदान का प्रयास करना, ये पीड़ित मानवता की बहुत बड़ी सेवा है, और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।